आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम यशदेव मलिक है। सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की ढेरों बधाइयाँ। आपने सुना होगा, थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में आया था यूके के अंदर जो है कोरोना वायरस का एक नया फॉर्म जो हुआ है वो रिलीज़ हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पे टेम्परेरी लॉकडाउन किया गया है और देशों ने फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हुई हैं। तो इसके अंतर्गत आप लोगों के लगातार कमेंट्स में ये कंसर्न्स हम लोग नोट कर रहे थे कि अब वीज़ा लगाएं तो लगाएं या नहीं लगाएं, और लगाएं तो किस तरीके से लगाएं, उनमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें ताकि वीज़ा अप्रूवल में हमारी हेल्प हो सके, और किन चीज़ों को हम अवॉइड करें। ये सारे कंसर्न्स हम लोग कमेंट में ऑलरेडी नोट कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन कि हम वीज़ा लगा सकते हैं कि नहीं। देखिए, यूके वीज़ा विंडो ओपन है इंडिया में, तो इसका मतलब ये है कि आप वीज़ा लगा सकते हैं। क्लियर कट आंसर तो यही है। हो सकता है फ्यूचर में थोड़े टाइम के लिए इसे रोक दिया जाए, लेकिन अभी तो ये ओपन है, तो अभी इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सेकेंड कि हम किस तरीके से लगाएं। आपको ध्यान इस चीज़ का रखना होगा कि आप अपना ट्रैवल अब लॉकडाउन के पीरियड का ना दिखाएं। मैं आपको पर्सनली अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा कि अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन अपनी बना रहे हैं या बनाने वाले हैं, या आपके नेटवर्क में अगर कोई बनाने वाला है, तो ये डिटेल भी उन तक पहुंचाइएगा। मैं पर्सनली आपको अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ट्रैवल जो है फरवरी या उसके बाद का दिखाएं, इंस्टेड जनवरी का दिखाने से अच्छा है। क्योंकि जनवरी अब ऑलमोस्ट आ ही गया है, थोड़े दिनों में शुरू भी हो जाएगा, और वहाँ पर हो सकता है कि लॉकडाउन को थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया जाए। और वैसे भी थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रहेगा कि अगर आप उसमें थोड़ा सा गैप रखें वीज़ा एप्लीकेशन में, तो फरवरी का अपना ट्रैवल दिखाएं या मार्च का ट्रैवल दिखाएं। आप ये ट्रैवल दिखा के अपनी वीज़ा एप्लीकेशन पे अभी भी काम कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने एक इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया था, कि काफ़ी सारे लोगों को ईमेल्स आए हैं जिसमें वीज़ा ऑफिसर पूछ रहा है कि आपका वहाँ पे क्वारंटीन में क्या अरेंजमेंट है। तो ये आंसर आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अगर आपको वहाँ पे अगर आप रुक सकते हैं 14 डेज़ के लिए क्वारंटीन के लिए, तो आप उसको येस करके रिप्लाई करें, और अगर आप नहीं रुक सकते तो आप उसको नो करके रिप्लाई करें कि मैं नहीं रुक सकता। और अगर आप रुक सकते हैं तो उसके बाद भी आपको बताना होगा आपकी अरेंजमेंट्स क्या है। अगर आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ जा रहे हैं या कहीं पर एक्सपायर्ड जगह जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको उस काउंसलर को बताना होगा। तो जैसा वो, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसको वीडियो को देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से आप इसको इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था किस तरीके से हम अपनी फाइल को बनाएं ताकि वीज़ा अप्रूवल में हमारी हेल्प हो। अब फाइलिंग के ऊपर तो हमने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन की हुई है इसमें ऑलरेडी, और इसमें भी यही आपको रखना होगा कि आप जो भी अपनी फ़्लाइट्स देख रहे हैं या अपनी जो भी होटल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, उसको आपको अच्छे से चेक करना होगा कि किन डेट्स में आप जा रहे हैं, उन डेट्स में वो अवेलेबल हैं या नहीं है, ये आपको अच्छे से चेक करना चाहिए। सेकेंडली, जो ड्यूरेशन आप ट्रिप का अपना रखेंगे वो आपके अकाउंट बैलेंस से सूट करना होना चाहिए। जैसे अगर आप अपना अकाउंट बैलेंस 4-5 लाख के आसपास दिखाते हैं, उस केस में आप 25-30 दिन का ट्रिप ना दिखाएं। उस केस में आप अपना ट्रिप जो है वो शॉर्ट रखें, क्योंकि उतना ही फाइनेंस है जो आप अपनी ट्रिप में सपोर्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली ITR अभी आपकी फाइल हो रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट टाइम आ चुका है, बॉर्डर पे आ चुका है। तो अपने CA को कहिए कि आपका ITR जो है वो आपके अकाउंट के अकॉर्डिंग बनाए। आपकी ITR आपकी इनकम के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। बहुत अनरियलिस्टिक उसमें अगर गैप होगा तो फिर वो आपकी प्रोफाइल को ही वीक बनाएगा। साथ में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो अपने प्रॉपर छुट्टी लेकर जाएं बिजनेस में, या तो उसके प्रूफ दिखाएं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। उसके अलावा किन चीज़ों को आप अवॉइड करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या हम अवॉइड करें जिसे वीज़ा रिफ्यूज़ होने से हम बच सकें। सबसे पहला आप अवॉइड करें कोई लास्ट मोमेंट में बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करने से। ये काफ़ी एक नॉर्मल सा पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत लोगों से हो जाता है। लास्ट मोमेंट पे एकदम से अगर हैवी ट्रांजेक्शन आती है, तो इस केस में वीज़ा ऑफिसर को वो पॉइंट हमेशा शक की तरह ही लगेगा। वो ऐसा ही लगेगा कि आपने वीज़ा के लिए ही एकदम से इतनी लार्ज सम लिया है। अगर आपके अकाउंट में ओकेशनली लार्ज सम का क्रेडिट डेबिट होता रहता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो वीज़ा से जस्ट पहले आप करने से टले। दूसरा पॉइंट, अपना वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म में जो आपने ट्रैवल डेट्स लिखी हैं, वही ट्रैवल डेट्स जो आपके वाउचर्स में, आइटनरी में, अगर PNR कॉपी लगा रहे हैं उसमें मैच होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपके असेट्स। अगर आपके पास असेट्स हैं, आप उनको शो करें। अनवांटेड मम्मी पापा के नाम पे असेट्स हैं, या दादा परदादा के नाम पे हैं, या किसी और के नाम पे हैं, उनके असेट्स की कॉपी लगाना ये आपकी डेस्परेशन को शो करता है। ऐसे केसेस में आपको वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट यही है कि अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है या आपको लगता है कि अभी उसमें कमियां हैं, तो पहले उसको दूर करें, उसके ऊपर वर्कआउट करें, फिर वीज़ा अप्लाई करें। इसके ऊपर हमने ढेरों वीडियो बनाई हैं,
जिसमें हम बताते हैं कि कौन सी स्ट्रांग प्रोफाइल होती है, किसी की वीक है तो स्ट्रांग कैसे करें। इसके रिगार्डिंग अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज वीज़ा मिलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट होने चाहिए। वीज़ा हर देश का मिलता है। ये फार्मूला सिर्फ यूके, टर्की या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पे नहीं होता, ये हर देश पे होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और वो सेंसिबल होने चाहिए, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं तो वीज़ा मिलते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न होते हैं तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी आंसर्स आपके फ्रेशली अपलोड कर देंगे। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।